सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीतीश राजपूत हियर। और मैंने अपने बाइक में जो जो मॉडिफिकेशंस करा रखी है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। पहले बात करते हैं इस वाइज़र की। तो ये वाइज़र मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था और ये मुझे 250 का पड़ा था, डिलीवरी चार्ज लेकर 250। इस बाइक में यहीं तक वाइज़र आता है, ये जो वाइज़र देख रहे हैं आप, इसे मैंने एडिशनल इसमें लगवाया है, इधर ये ड्रिल करके लगवाया है मैंने स्क्रू से, तो देख सकते हैं। इसे लगाने के बाद आपके बाइक का लुक थोड़ा मतलब और बोल्ड दिखने लगता है बाइक आपका सामने से। ये देखिए गाइस, तो गाइस अगले मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये दो लाइट्स, ये दो ब्लू लाइट्स, जब आप बाइक लोगे तो आपको सिर्फ ये ब्लू इसमें बल्ब मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ब्लू एलईडी लगा रखी है। इन दोनों एलईडी को लगाकर मुझे 100 रुपीज़ में हो गया था मेरा, मतलब 30-30 एलईडी का पड़ा था और 40 रुपीज़ फिटिंग का चार्ज, टोटल 100। गाइज इसके अगले मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये जो रैप है, ये मैंने रैप कराया है। जब बाइक लोगे तो आपको सिर्फ ये जो ब्लू कलर है यही मिलता है, लेकिन मैंने एडिशनल रैप कराया है। इधर मैंने बीच में ब्लैक कराया है, इधर वाइट कराया है, ताकि इसके जो टैंक पे जो ये वाइट पैच है इससे मैच कर जाए, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा कर देता है। या आप भी चाहो तो अपने V15 बाइक में करा सकते हो। गाइस इस रैप की प्राइस की बात की जाए तो मुझे 100 रुपीज़ लगे थे इस रैप को कराने में। गाइस इसके अगले मॉडिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो इसका अगला मॉडिफिकेशन मैंने ये कराया, इसमें ये जो हैंड गार्ड आप देख सकते हैं दोनों साइड, ये मैंने लगवाया है। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था, मुझे ये 800 का पड़ा था, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट परचेज़ किया था। आफ्टर मार्केट में मुझे मतलब ऑनलाइन के हिसाब से दाम थोड़ा कम लगा, मुझे 800 का पड़ा, ऑनलाइन में 980,000 के आसपास था प्राइस। ये हैंडगार्ड गाइस ब्लिंकर के साथ कनेक्टेड है, मतलब जब आप ब्लिंकर ऑन करोगे तब ये भी ऑन हो जाएंगे, जिस साइड का ब्लिंकर ऑन करेगा उस साइड का। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा चलाकर। गाइस इसके अगले मॉड्स की बात करें तो ये दो स्विचेस, ये जो पहला स्विच है ये जो आपका बाइक में एचओ सिस्टम आता था उसके लिए है, मतलब कि ये हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए, नहीं तो इस स्विच जब नहीं रहेगा तो आपका हेडलाइट हमेशा ऑन रहेगा, तो इसलिए मैंने लगाया था ये स्विच ताकि आपका हेडलाइट अपने हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकें। और ये जो स्विच है ये 4 ब्लिंकर के लिए, हजार्ड के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये स्विच दिखाता हूँ। ये मैंने बाइक ऑन कर लिया है, अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। गाइस स्विच ऑन किया तो इसका हेडलाइट जलने लगा, और अब स्विच ऑफ करूँगा तो हेडलाइट ऑफ। अब बात करते हैं इस स्विच की, तो ये स्विच को भी मैं चला के दिखाता हूँ इसका काम, इसका फंक्शन क्या है। ये मैंने ब्लिंकर ऑन किया तो ये सिर्फ एक साइड का ब्लिंकर ऑन है, आप देख सकते हैं एक साइड का ऑन है, और जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो दोनों साइड के ब्लिंकर ऑन हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैंडगार्ड ब्लिंकर से कनेक्ट है तो ये साथ में जलता है, दोनों भी साइड के ब्लिंकर ऑन हो गए। पीछे का भी दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस पीछे के भी दोनों ब्लिंकर ऑन हैं। तो यही काम था इस स्विच का, जब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो ये आपका सिर्फ एक साइड का ब्लिंकर जल रहा है, जिस साइड का मैंने ऑन किया था। गाइस इन स्विचेस की प्राइस की बात की जाए तो
मुझे दोनों स्विचेस लगाकर 180 का पड़ा था, मतलब 60-60 का स्विच का प्राइस 120 और 60 रुपीज़ फिटिंग का, टोटल 180। तो गाइज़ मैंने एक और मॉड्स करा रखा है, मॉड्स क्या बोलेंगे, बस मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, बस मैंने यहाँ विक्रांत लिखा रखा है, आप देख सकते हैं विक्रांत, वो बस मैंने ऐसे ही लिखा लिया, बाइक का नाम विक्रांत। तो गाइज इसकी अगली मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो ये जो चेन कवर के पास आप देख रहे हैं मोटुल, ये भी मैंने मोटुल का स्टिकर लगा रखा है। मोटुल आपका जो ब्रांड है उसके आपके इंजन ऑयल्स और काफ़ी भी एक्सेसरीज आ जाती हैं, तो ये मैंने इसका स्टिकर लगा रखा है मोटुल का। गाइज इस स्टिकर को मैंने 50 रुपीज़ में लगवाया था। तो गाइज यही कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने अपने बाइक में करा रखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।